लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मित्रों, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में पूरी मजबूती के साथ जो लड़ाई प्रारंभ हुई उसके अपेक्षित परिणाम आने प्रारंभ हो चुके हैं। एक समय ये लगता था कि वास्तव में कोरोना महामारी एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस पूरी लड़ाई में जिसकी एक अहम जिम्मेदारी भी थी और भूमिका भी है, हम लोगों ने टेस्ट एंड ट्रीट किस मंत्र को अंगीकार किया और उसके अनुरूप तेजी के साथ निगरानी समिति को और मोहल्ला समितियों को गांव गांव और मोहल्लों में भेज करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई, मेडिसिन वितरण की कार्रवाई, होम आइसोलेट या क्वारंटीन या हॉस्पिटल कहां उनको जाना है इसकी तैयारी और टेस्टिंग की क्षमता को विकसित करना। उत्तर प्रदेश आज के दिन तक 4,67,00,000 से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर कोविड टेस्ट कर चुका है। इसके साथ ही प्रदेश ने टेस्ट की क्षमता को काफी विकसित किया। मुझे याद है जब फर्स्ट वेव आई थी और पहला मरीज कोविड का उत्तर प्रदेश के अंदर मिला था 2 अप्रैल 2020 को, तो हमारे पास टेस्ट करने की कोई क्षमता नहीं थी। तब हमने एनआईवी पुणे सैंपल भेजे थे, एक भी मरीज को भर्ती करने की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। हमने आगरा के जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आए थे उनको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली हमें भेजना पड़ा था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश 3,00,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है और मुझे आप सबको बताते हुए संतोष की अनुभूति हो रही है कि पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 3,26,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। टेस्ट की क्षमता को कैसे विकसित किया जा सकता है, ये हम लोगों ने इस दौरान यहां पर तैयार किया है। ऐसे ही आईसीयू और आइसोलेशन बेड्स की क्षमता फर्स्ट वेव से पहले हमारे पास नहीं थी। हमारे 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी वेंटिलेटर नहीं था, लेकिन भारत सरकार के सहयोग से आज हर जनपद में वेंटिलेटर हैं, एचएफएनसी हैं, ऑक्सीजन युक्त बेड्स हैं और हमने फर्स्ट वेव में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स पर्याप्त मात्रा में बढ़ाए, लेकिन सेकेंड वेव में लेवल 1 बेड्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम लोगों ने सेकेंड वेव में 80,000 वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त बेड्स प्रदेश के अंदर उनकी क्षमता विस्तार किया, जहां पर प्रदेश के हर नागरिक को वहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, कोरोना से उपचार की सुविधा उपलब्ध किया जा सके, और ये हम सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी बढ़ी है। पॉजिटिविटी की स्थिति है कि प्रदेश के अंदर जो एक बार लगभग 17% तक पहुंच चुका था, आज वह घट करके 2 के आसपास आ चुका है। हमारे यहां जो एक्टिव केस 30 अप्रैल को 3,10,000 तक पहुंचे थे और एक दिन में सर्वाधिक केस आए थे
वह 24 अप्रैल को 38,000 से अधिक, आज वह घट करके प्रदेश में यानी न्यूनतम स्तर तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। एक्टिव केस प्रदेश के अंदर अब 3,10,000 से घट करके मात्र 76,000 पर रह गए हैं और एक दिन में आने वाले पॉजिटिव केस जो 38,000 से अधिक आए थे अब वो 3,900 तक सीमित हो चुके हैं। लगातार इसमें गिरावट है, लेकिन इसके लिए बृहद अभियान चलाना पड़ा। अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश के अंदर गांव गांव में, कस्बे कस्बे में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग के साथ साथ ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। आज उसके अपेक्षित परिणाम हमारे सामने हैं। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण अत्यधिक होने के नाते ऑक्सीजन की क्राइसिस एक समय होती हुई दिखाई दी। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने तत्काल अपनी निधि का उपयोग करते हुए हर एक जनपद में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपनी निधि का उपयोग किया। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा। हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट होंगे या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होंगे। ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश जहां इन सभी कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है, वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने थर्ड वेव की भी तैयारी अभी से प्रारंभ की है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई अभी से प्रारंभ हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। पीएससी, सीएससी और हेल्थ सेंटर को विकसित करने के साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जैसे उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट उन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराएं, एक एक हॉस्पिटल को गोद ले लें, वहां पर अपनी निधि का उपयोग करें। शासन भी आपको धनराशि उपलब्ध करवाएगा। वहां पे मैन पावर स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी की कमेटी को करना है, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल्स को करने हैं। तो ये सभी कार्रवाई हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, साथ साथ ट्रेनिंग की कार्रवाई भी। जो पीडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, इन सब की ट्रेनिंग भी हम साथ साथ आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार ने ये भी तय किया है कि हमने 45 से ऊपर सभी लोगों को भारत सरकार निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर हर एक जनपद में प्रारंभ हुआ है। 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रदेश सरकार वैक्सीन लेकर के और उन लोगों को वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करा रही है। अब तक हम 23 जनपदों में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीन दे रहे थे। पहली जून से सभी 75 जनपदों में हम वैक्सीन 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे। हमने इसमें प्राथमिकताएं तय की हैं। प्राथमिकता थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम थर्ड वेव से पहले 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के अभिभावकों को अभिभावक स्पेशल बूथ स्थापित करके उन्हें वैक्सीनेट कर लें, उन्हें एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएं। हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए भी अलग से बूथ लगे, मीडिया और उनके परिवार के लोगों के लिए भी अलग से बूथ लगे, इसकी भी तैयारी पहली जून से आगे कर दी गई है। हम लोग कोरोना कालखंड में वर्तमान में इस 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से सरकार को कोरोना कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। ये लॉकडाउन नहीं है, कोरोना कर्फ्यू है। लॉकडाउन में सारी गतिविधियां ब्रेक हो जाती हैं। यहाँ पे हमने किसानों से संबंधित गतिविधियों को पूरी छूट दी है, श्रमिकों से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों को पूरी छूट दी है। उद्योग चल रहे हैं, खेती बाड़ी का काम चल रहा है, प्रोक्योरमेंट के सेंटर हमारे संचालित हो रहे हैं, राशन की दुकानें हमारी संचालित हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन के कार्य हमारे चल रहे हैं, सब्जी मंडी, फल मंडी, ये सब संचालित हैं, आवश्यक और इमरजेंसी सेवाएं सभी संचालित हैं। परिवहन निगम की बसें उत्तर प्रदेश के अंदर
ये निरंतर चलायमान है, ये संचालित है, ये कार्य कर रही है। इसलिए हम लोगों ने कोरोना कर्फ्यू का सहारा लेकर के कि कहीं भीड़ न हो, कोरोना के संक्रमण की चेन को भी ब्रेक किया जा सके और साथ साथ हम लोग एक सामान्य नागरिक के जीवन के साथ साथ उसकी जीविका को भी बचा सकें। फिर भी कुछ लोगों के जीविका प्रभावित हुई हो, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर मई और जून का निःशुल्क राशन वर्तमान में वितरित हो रहा है। जून, जुलाई और अगस्त तीन महीने का निःशुल्क खाद्यान्न राज्य सरकार भी अपने स्तर पर हरेक जरूरतमंद को उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश के अंदर मेरा अनुमान है कि 15 करोड़ से अधिक लोग इसका लाभ लेंगे, एक महीने में 15 करोड़ से अधिक लोग इसका लाभ लेंगे। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन मार्केट में, मुख्यालय में आकर के अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उन लोगों के लिए जो प्रतिदिन कमाते खाते थे, किसी रेस्टोरेंट होटल में भोजन पा लेते थे, उनकी जीविका प्रभावित हुई है। होटल रेस्टोरेंट बंद चल रहे हैं, हर जनपद में कम्युनिटी किचन संचालित किए जा रहे हैं। हम लोगों ने यह भी कहा है कि मरीज के परिजन होटल रेस्टोरेंट बंद होने के नाते उनके सामने संकट होगा, कम्युनिटी किचन से उन लोगों को भी भोजन उपलब्ध करवाया जाए और साथ साथ जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, जून महीने से श्रमिक संगठित और असंगठित क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर जिसमें ठेला, खोमचा, रेड़ी, पल्लेदार, कुली ये सभी आते हैं, इसके साथ धोबी, नाव, मोची, माली, ये जो भी कैटेगरी है जिनकी आजीविका प्रभावित होती है या हुई है, इन लोगों को भरण पोषण भत्ता भी सरकार के स्तर पर उपलब्ध करवाने की तैयारी की गई है। गोंडा जनपद में भी और कमिश्नरी में भी सेकेंड वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। पॉजिटिविटी रेट यहां पर लगातार नीचे गई है, रिकवरी रेट स्टेट एवरेज के ही अनुसार यहां पर अच्छी ढंग से आगे बढ़ रही है। हमारा विश्वास है कि जो टीम यहां पर जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स, जनता जनार्दन इन सबके सहयोग से कार्य कर रही है, बेहतर तरीके से लोग कोरोना का मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आप सबसे मेरी अपील है, हम 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहे हैं, हमारे सामने परिणाम तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, संतोषप्रद हैं, लेकिन अभी लापरवाही नहीं करनी है। हर एक व्यक्ति को हम इस बात के लिए तैयार करें, हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना निकलें, शेष अन्य लोगों को अगर बाहर निकलना ही हो तो ये मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें, वैक्सीन जरूर ले, टेस्ट कराने से भी ना भागे और वैक्सीन लगाने से भी ना भागे। टेस्ट उन्हें समय पर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएगा और वैक्सीन उन्हें सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाएगा। आप सब इस जागरूकता के अभियान के साथ जुड़ेंगे, इसके अपेक्षित परिणाम आएंगे। धन्यवाद जी।